नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मुरैना में 6 सितंबर को भारत बंद के मद्देनजर प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। इसी सिलसिले में केलारस थाने में शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस अधिकारियों के साथ तहसीलदार शारदा पाठक, SDOP सुधीर सिंह कुशवा, वरिष्ठ नागरिकों समेत राजनीतिक दल के लोग शांति समिति की बैठक में शामिल हुए। बंद के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर रोक लगाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए असामाजिक तत्वों को कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया में जो भारत बंद का मैसेज चल रहा है, उस संबंध में आज हमने थाने में SDOP साहब के साथ सारे थाने प्रभारी और अपने जनता के साथ हमने बैठक कर ली है। जनप्रतिनिधियों को भी हमने बुलाया था और इस संबंध में यही है कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख लें, किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा न हो, यही सबसे अनुरोध किया गया है और उम्मीद है कि अच्छे से हो जाएगा। पूरे मुरैना जिले में धारा 144 लागू हो चुकी है। कैलारस में भी सभी जगह 144 धारा लग चुकी है। इसलिए लोगों को बिना अनुमति के कोई रैली धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है और यदि कई लोगों को ग्रुप बना करके भी नहीं रहना है। भारत बंद के उसमें ये मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार, बंधु सभी थे। उनको कल के भारत बंद के बारे में बताया गया और क्या क्या एहतियात बरतना है अपने नगर की शांति और उसके लिए, उसके संबंध में अवगत कराया गया है। बाहर से फोर्स भी आया जाएगा, करीब 50 आदमी आ रहे हैं। शहर के सभी जो मेन पॉइंट है, सभी पॉइंटों पर फोर्स एवं मोबाइल लगातार चलाई जाएगी ताकि अपनी शांति व्यवस्था सम्पन्न कार्यक्रम सम्पन्न हो सके। मुरैना से गजेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट न्यूज आज। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज आज के साथ।